Hey everyone, please watch NTrix News for latest updates in and around the world. God bless. आप सबका इस्तकबाल है NTrix न्यूज पर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके सलाला बारकस में एक दरिंदे और बेरहम इंसान ने अपने ही सगी दो बहन का कत्ल कर दिया और अपनी तीसरी बहन और भौने के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बारकस सलाला में रहने वाला अहमद बा इस्माइल नामी शख्स ने पिछले साल यानी 2019 में अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया था और कुछ महीनों पहले वो बेल पर रिलीज हुआ था। आज उसने अपनी ही बहनों को दावत दी उसके घर सलाला बारकस में, रजिया, जाकिरा और नूर को, जिसमें रजिया और जाकिरा शामिल हुई। दरिंदे अहमद ने तेज धार हथियारों से अपनी ही बहन रजिया और जाकिरा का कत्ल कर दिया और तीसरी बहन का कत्ल करने के लिए नबील कॉलोनी पहुंचा। कत्ल करने के वक्त तीसरी बहन के शौहर बीच में आ गए, जिसकी वजह से वो बच गई, पर दोनों के हालात बहुत नाजुक है। अभी भी अहमद बाव इस्माइल फरार है। कत्ल की वारदात चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई और हमले की वारदात बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई। रजिया और जाकिरा के लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। कत्ल की वजह अब तक पता नहीं चल पाई, पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस को अहमद बा इस्माइल को जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए, वरना कल अहमद का कोई और शिकार हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।